सो है बच्चों एंड वेलकम बैक टू द वीड इन द वीडियो। सो गाइस आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि हैप्पी न्यू ईयर वाली ये एडिटिंग कैसे किया जाता है ओनली फॉर स्नैपसीड ऐप के अंदर। ओके सो गाइस आज मैं कोई भी पिक्सार लाइट रूम वगैरह ऑटोडेस्क कोई भी ऐप शो मैं इसमें यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ओनली ऑन स्नैपसीड के अंदर मैं एडिटिंग करने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो बहुत ही कमाल का बनने वाला है, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना एंड तक। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस मैंने स्नैपसीड ऐप को ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्लस पर क्लिक कर देना है, देन यहाँ से अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। ओके गाइस सो गाइस मैंने बैकग्राउंड को ओपन कर लिया स्नैपसीड ऐप के अंदर। इस वीडियो को फुल वॉच करो एंड तक, तभी आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। और गाइस इसके बाद मैं जाता हूँ इस पेंसिल आइकन में क्लिक कर देना है, देन यहाँ से आपको क्या करना है नीचे जाना है और यहाँ से डबल एक्सप्रेस दिखा हुआ इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। गाइस इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके गाइस अब आपको क्या करना है, ये सो प्लस इमेज का आइकन दिख रहा है गाइस, इस पर क्लिक करना। ठीक है, ओपन इमेज पर यहाँ टच कर देना और यहाँ से अपनी गैलरी ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अपन जो भी आप बैकग्राउंड PNG जो भी रखे हुए सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो अपन को क्या करना है कि यहाँ से अपने मॉडल की पिक को ऐड कर लेना। ओके गाइस तो यहाँ से मैं इस मॉडल की पिक को ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस मैंने मॉडल की पिक को ऐड कर दिया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस पिक को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सो गाइस मैं इसको यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ दोनों उंगली से। गाइस ये जो दिखाई दे रहा है कलर और आइकन, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद इसको एकदम फुल कर देना। ओके, और इसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर देना, देन फिर आपको क्या करना है, ट्रिक को पूरी अच्छी तरीके से समझिए गाइस। यहाँ पर जो ये एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना। ठीक है, हेडिंग स्टैक पर क्लिक कर देना है, देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वेज एडिट लिखा है इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, और इसके बाद गाइस यहाँ पर लिखा हुआ डबल एक्सप्रेस तो इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से इस ड्रॉ पर जाना। ठीक है, सो गाइस देख सकते हैं हमारी पिक तो गायब हो गई लेकिन यहाँ पर बैकग्राउंड ही दिखाई दे रहा। सो क्या करना गाइस, ये वाला जो कलर आइकन दिखाई दे रहा इस पर इन्वर्ट पर क्लिक करना। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो अपनी पिक यहाँ पर ओपन हो चुकी। देन यहाँ से क्या करना आपको, इस तरीके से पिक को जूम कर लेना। ठीक है, फुल जूम करनी है, जितनी आप फुल जूम करो उतना ही अच्छा होगा बैकग्राउंड एरिया। फिर इस तरीके से आपको यहाँ पर बैकग्राउंड को हटा लेना। ठीक है, और अपना नया बैकग्राउंड है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ओके गाइस तो यहाँ पर मैं गाइस आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इरेज कर देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से करना। ठीक है, मान लो आप यहाँ इरेज कर रहे हो लेकिन यहाँ कहीं पर भी इधर हो गया तो आपको क्या करना है। सो गाइस ये जो एरो दिखाई इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना, 100 कर देना यहाँ पर। ठीक है, 100 करने के बाद क्या होगा गाइस, तो यहाँ पर जो भी है वो यहाँ से मिट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मतलब इरेज हो जाएगा। और इसके बाद फिर से इस डाउन वाला एरो पर क्लिक कर देना और 100 कर देना तो इसकी हम क्या कहें एडिट भी कर सकते हैं बैकग्राउंड को। ओके, इस तरीके से इस तरीके से तो इसको यहाँ से फुल कर देना, देन यहाँ पर इरेज कर देना। सो गाइस अब मैं इसको यहाँ से जल्दी जल्दी कर लेता हूँ बैकग्राउंड चेंज, तो वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ और म्यूजिक का आनंद लीजिए।